नोटी बच्चा जो कि मैंने चैनल का नाम चेंज किया है जोर जोर ब्लॉग से नोटी बच्चा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, मैं ही हूँ विमो। और देखा है आज अपन जाने वाले ग्राम पंचायत, थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल तो बहुत अच्छा नहीं बनाता लेकिन वीडियो भी वायरल भी नहीं हो रही, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना जितने भी लोग देख रहे हो, मेरी फैमिली हो और फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनके साथ जाने में ही तो मज़ा है। अकेले जाओगे तो किससे बात करोगे, किससे बकर करोगे, उनके साथ जाओगे थोड़ा बकर भी होता है और अलग ही माहौल बनता है। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको सीधा रूट दिखाना है हमको। ओके, तो हम कॉलेज साइड से निकलेंगे, तो मैं अखिलेश के साथ बैठा हूँ गाड़ी में और बाकी दो दो करके जा रहे हैं हम लोग, क्या पुलिस पकड़ लेती है, चेकिंग भी चल रही है। तो सबसे पहले तो खैर अखिलेश के घर जाएंगे हम लोग और बैग रखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे व्हाइट हाउस, क्योंकि व्हाइट हाउस के पास हमारे दोस्तों पहले से पहुँच गए और हम लोग को दे दिए थे बैग रखने के लिए, तो हम लोग बैग रखा और यहाँ पर खड़े हैं। चल, हाँ मजा नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ के, समझ रहे हो ना, हम दोनों को छोड़ के खुशी देख रहे हो कुणाल की। हाँ, तभी हम डी कैथलॉन पार कर रहे हैं और थोड़ा बोलना चाहोगे। पूरी ग्राम पंचायत पहुंचने में अभी भी हमको 10 किलोमीटर बाकी है, पहुंच जाएंगे अपन चंदपुरी ग्राम पंचायत। तो देख यार, अभी तो हम पहुंच गए हैं क्योंकि हम जल्दी आ गए अपना विधानसभा रोड से, इधर से आने में बहुत जल्दी पड़ता है। और ये श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मूर्ति है, बहुत ही बड़ी है और अभी तो पूरा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर का। रात में और बहुत प्यारा लगता है क्योंकि लाइटनिंग रहती है, और अभी देखो दोपहर का टाइम है और यहाँ पर थोड़े बहुत दुकान लगे, शॉल्स लगे जैसे कि प्रसाद अरसाद लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं प्रसाद अरसाद यहाँ से, और नारियल वगैरह भी ले सकते हैं आप। ठीक है, घुसा दे घुसा दे घुसा दे। अरे वो लोग हैं, हम लोग तो आ गए थे, तेरा गाड़ी स्लो चलता है। अच्छा, भाई उसको देख के मेरे को फिर लग रहा है, तो चल करके आते हैं क्या? चलो ब्रांड देखो, पहले तो अपन जाएंगे यहाँ क्योंकि अपने को लग रही है जोर से। ठीक है भाई, इतना देर से कंट्रोल नहीं हो सकता अपने को, ठंड का मौसम है। चलो चलो, आप लोग का बनाऊंगा, 500 का नोट रखा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो भाई? जो महिला है उसमें चले जाइयो, जो पुरुष है इधर चले जाए, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चले जाइयो। अरे कुणाल, कुणाल आप, कुणाल तू वहीं जा, वहीं जा कुणाल, ए छोटे कुणाल किधर? नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ इधर जा रहा है ना। कुणाल समझ रहे हो, कुणाल क्या है? तो भाई बगरबाजी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपन अंदर चलते हैं, अपना काम तो हो गया है। सुनील तो चलो, तेरे सामने केक साले हरकत कर रहे हो तुम लोग, पीछे दिखाना। सुशैल किधर चले गया? ठीक है भाई, पीछे चेती का वाल एकदम मस्त है। चल चल चलते अंदर। तो देखो यार, मैं अभी इधर खड़ा हूँ और पीछे देख रहा हूँ पूरा, मतलब कि यहाँ पर एरिया पूरा देखो, पूरा खाली है इधर, आप फोटोशूट करा सकते हो। और भाई क्या ही बोलूँ, पीछे जो मूर्ति देख रहे हो आप राम जी की, बहुत ही प्यारी लग रही है यार, बहुत ही प्यारी, क्या ही बताऊँ मैं। मेन पार्टनर्स लोग उधर है, ठीक है, तो अभी उनका इंतज़ार करते, वो नारियल ले रहे, नारियल चढ़ाएंगे। और वहाँ पर नहीं, ब्रजेंद्र जी की मंदिर है, बहुत बड़ी है, छोटी सी नहीं है, वो भी बहुत प्यारी है। और ही क्या बोलो यार, तो पहले तो जूते उतारता ही क्या, एक बार मैं आया था तो जूते चोरी हो गए थे, जूते चोरी होना बहुत आम बात है यहाँ पर, जूते चप्पल, तो देख ध्यान में रखना, ठीक है? देखो भाई, प्रमोशन उसका शॉप से ले लेना, जूता चोरी हो सकता है, मैं गारंटी दे सकता है। ये आजू बाजू के चौल देख रहे हैं, यहाँ से आप नारियल वगैरह ले सकते, प्रसाद ले सकते, अगरबत्ती वत्ती अगर आप नहीं लाए हो तो, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भी, तो इनकी भी थोड़ी हेल्प कर दिया करो नारियल वगैरह लेके। हम अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है अंदर से, तो टाइम लगेगा घूमने में। यहाँ तो इनको बिस्कुट जरूर खिलाना, आज ज़्यादा टाइम खिलाएंगे अपन, ठीक है? तो जूते उतारते हैं यहाँ।
अरे नहीं है रे बच्चा, नहीं मेरे पास अभी, ज्यादा टाइम तेरे को खिला दूंगा। नहीं नहीं चल जा चल जा, अबे चल तो नहीं है रे, पानी है, पानी पिएगा, मिलते हैं अंदर। तो देखो मंदिर का भी अंदर आ गया, चप्पल जूते चप्पल उतार दिया, और एक बार जो नया नहीं बोल रहा है तो अंदर नहीं जाऊंगा बोल रहे, बाकी अपन जाएंगे जरूर जाएंगे यार। बच्चे लोग कैसे, तो चलो अंदर, पहले तो बैक कैमरा ऑन करता हूँ। एकदम मस्त यार, जय हनुमान जय बजरंगबली। और यहाँ सब प्रेमिका प्रेमी के जोड़े, ये वो समय था जब मतलब कि देव और राक्षसों के बीच अमृत के लिए एक सौदा हुआ था, जिसमें देवों ने जो है राक्षसों को ये बोला कि हम बराबर का हिस्सा लेंगे, लेकिन देवों ने, उनको पता था कि राक्षस अगर अमृत मिल जाएगा उनको तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और यहाँ बहुत बड़ी नंदी जी की मूर्ति है, इनका तो आप दर्शन करना भूलना ही मत। और हमारे सामने एक छोटा सा शिवलिंग भी है यहाँ पर, और मेरे पीछे आप गेस करिए क्या हो सकता है। देखिए मेरे पीछे है यहाँ पर बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, शिव जी के जो भी भक्त हैं यहाँ ज़रूर आए यार, और इनका दर्शन किए बिना जाए ना। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, बाकी ये लोग तो इधर हैं, इधर अपन एंजॉय कर रहे हैं सब, तालाब के पास जाके, और बाकी इतना ही है। और जैसे कि ये एक नीचे है तो मैं इसी को चिपका के देखता हूँ, चिपकता है कि नहीं लगता ये। से दो और गिर गए, माफ़ कर देना भगवान, गलती हो गई, दूसरे की मन्नत बिगाड़ दी लगता हूँ मैं, माफ़ कर देना। अपना ज्योति बच्चा अंदर से कुछ खाली है, उसे तो अभी कुछ नहीं है, पूरा खाली है, देख रहे अंदर से सामान रखा है यहाँ पर, कोई दीप दीप जल नहीं रहे तो फिर बहुत प्यारा लगता है अंदर से। यहाँ से संपर्क करें, दिख रहा है ना मेरे टीका, हाथ कपड़े आईने नहीं दिखते, टीका दिख रहे हैं ना, खाते अभी लास्ट में देख लो बजरंग बली, और इधर हमारे श्री राम जी। तो ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सामने से अच्छा बनाया है, चलते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।